हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करता हूं आज के नए ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है, रात के 8 बजने वाले हैं और आज का ब्लॉग हमने यहां से शुरू किया है। और दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद हम निकलने वाले हैं उत्तराखंड के लिए, गांव के लिए। बहुत अच्छा ब्लॉग बनने वाला है आज, और बने रहे हमारे साथ। और चीकू भी है साथ में, सारे लोग जा रहे हैं। रास्ते में आपको दिखाते हुए जाएंगे हम कहाँ कहाँ से अपने गाँव जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। करंट है? अरे बाप रे, नहीं चीकू, करंट है? बच्चे नहीं छेड़ते उसको। लड्डू देख कितना खुश हो जा रहा है। अरे वाह, ज्यादा ही खुश है वो। दादी आओ, जा रहे हैं दोनों। तो दिल्ली कैंट आ चुका है, यहाँ से आगे जा रहे हैं अभी। एक बीच बताएंगे ना, ब्लॉग बनाएंगे ब्लॉगर। और क्या, हम दोनों बैठेंगे कोने में। और ये हाईवे पर है, हमें NH 24 दिल्ली से हरिद्वार वाली रोड पर है ना भाई। क्या कर रहे हो? पापा बचाओ। ये हमारा बदमाश। चीकू, क्या बदमाशी हो रही है? नो भाई, सब गलत बात है। नीचे उतरो, बदमाशी चल रही है इनकी। और क्या हो रहा है देखो, पूरी मस्ती छा रही है इसमें देखो। तो चैन नहीं है, अभी भी बदमाशी हो रही है इसकी गाड़ी के अंदर। क्या देख रहे हैं आप? पीछे गाड़ी को देख रहे हैं आप? ये पीछे जो गाड़ी है उनका। हाँ, कार कार आ रही, कार। क्या होता है? खड़े उठ। अच्छा, खड़े उठ। हाँ ठीक है। तो रात का ये नज़ारा है हाईवे पर। कहाँ है, यहाँ से कहाँ निकलेगा तोड़ के भाई? कहाँ जाओगे? तो अभी हम ऑन वे हैं और हम अभी वैशाली, जो दिल्ली हरिद्वार हाईवे है, वहाँ पर पहुँचे हैं। तो वहाँ पर अभी हम रात का डिनर कर रहे हैं। तो डिनर में लिया था हमने मिक्स वेज दही, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नमक इतना ठोका हुआ है कि खाना बहुत मुश्किल है। और दही इतनी ज़्यादा खट्टी है कि हम तो अचार और परांठे खा रहे जो लेके आए थे। कितना है? इन्होंने तो खाना बंद कर दिया, पर मैडम कह रही कि लाए तो खा ही लेते हैं। और ये हमारे चीकू महाराज जी, देखिए आप फुल मस्ती करते हुए। जय गंगा मैया। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। शिव की नगरी हरिद्वार में आपका स्वागत है। चीकू जी, नींद आ रही है चीकू जी को? चीकू घायल चेयर की तरह बैठा हुआ है, समझ नहीं आ रहा ना उसको कि ये चले ही जा रहे, चले ही जा रहे, जा कहाँ रहे हैं? इन्हें को सुलाते क्यों नहीं है आखिर आज? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देख रहा चारों ओर एक जा कहाँ रहे हैं? अंधेरा भी है, गाड़ियां भी जा रही हैं, जा कहाँ रहे हैं? चीकू कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हेलो, कहाँ जा रहे हैं? पापा जी, सुबह के 3:30 बज गए। पर ये बदमाश देखो, स्टेयरिंग पे चढ़ गया और चलाने की कोशिश कर रहा है। इसको कम बदमाशी नहीं हो रही इसकी, देखो चीकू। इंडिकेटर पे चीकू, क्या कर रहे हो आप चीकू? ऐसे ऐसे कर अर्जुन। ए, थोड़ा बड़ा होने की जरूरत है भाई साहब, ये खुद ही खुद ही कर्म कांड करेगा। हाँ देख, खुड़ा कर ताकत लगाई है। हाँ हाँ यार, हाँ जी। अरे भाई, ये तोड़ देगा भाई साहब, इसका कोई भरोसा नहीं। चीकू छोड़ो तो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, चल बाय।
अरे सुबह के 3:30 बजे हैं और अभी हम पहुंचे ऋषिकेश और यहां से पहाड़ी शुरू हो जाती है। तो सुबह 4 बजे यहां पर आपके फाटक खुलते हैं, तो आगे पुलिस चौकी है, तो पुलिस वाले आगे जाने की अनुमति अभी नहीं देते हैं, तो सुबह 4 बज जाएंगे तब। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको, अभी 4:00 बजे तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग गया है, तो कुछ गाड़ियाँ उधर से आई हैं, कुछ हरिद्वार दिल्ली की तरफ से आ रही हैं। तो जो बड़े ट्रक और बस आ रहे थे, कम स्पेस की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया और एक ट्रक इधर से अड़ गया है। और ये सुबह का टाइम हो गया है 5:45 बजे और हम पहुँच चुके हैं 3 धारा से आगे देवप्रयाग की तरफ। और अभी तो सूर्य भगवान जी नहीं आए, अभी कितना अच्छा लग रहा है। हमारे साथ 2 खतरनाक प्राणी आए थे, इन दोनों प्राणियों ने उल्टी कर करके परेशान कर दिया। एक तो बेसुध सो गया है देखो इसको, और दूसरा प्राणी ये है, इनको तो होश ही नहीं है। और ये है आपका देवप्रयाग का संगम, अलकनंदा और भागीरथ का संगम है, है ना? कि हम पहुंचने वाले हैं शरण प्रयाग। शरण प्रयाग मार्केट दो चक्कर और ये राइट पे मुड़े हम ट्राली को, और ये पीछे आपका गोपेश्वर के लिए। तो ये कनप्रयाग चौक है, सरदार भी पहुंच गए भाई, ताला तभी लगाने के लिए यहाँ पे हैं। ये देखिए दिल्ली की तरह आवारा गाय यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, देखो है ना, दिल्ली में कम भी आ जाता है, यहाँ ज़्यादा है, मतलब आवारा गाय यहाँ भी ज़्यादा है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं परिवार के साथ नारायण बगल, जो कि मेरे गाँव से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। और ये किसी टाइम पर ये पीछे जो आप देख पा रहे होंगे, ये एक पुल हुआ करता था बीच में से, जो बाड़ाने से टूट गया, अब नए पुल का निर्माण हो रहा है। वहाँ आप नीचे जेसीबी देख पा रहे होंगे, तो ये पुरानी जगह है और यहीं से होकर के आगे बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए रोड से होकर के आगे जाते हैं, इसी रोड से देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार के लिए भी जाते हैं। तो ये जो है जगह, इस जगह का नाम है नारायण बगल मेन मार्केट। तो ये देखिए घर के लिए मिठाई पैक हो चुकी है, 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे मिठाई पैक हो चुके हैं। देखिए आप ये लाल, हाँ जी कीमत ठीक लगाना आप, पैक तो आपने पहले ही कर दिया है, पता नहीं क्या कीमत लगाओगे आप हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने होम टाउन का जो मेन मार्केट है थराली, वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो ये नीचे जो दिखाई दे रहा आपको ये सारी बिल्डिंग है, ये थराली बाज़ार है, और जहाँ से मैंने स्कूलिंग की थी 12वीं पास, ये सामने है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा ये, और ये ऊपर कोट डीप है। ये थराली जो मेन मार्केट है, इसके पीछे जहाँ स्कूल है इसके पीछे मेन थराली गांव है। और नीचे की इस रास्ते से हम इसलिए नहीं जा रहे कि नीचे पुल धस गया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे पुल ये धस चुका है, इस चक्कर में हम नीचे से नहीं जा रहे। तो हम लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता तय करके दूसरे रास्ते से जाने वाले, यानी कि ये जो रोड आपको अभी दिखाई दे रही है, ये आपका जा रही है नैनीताल वाली रोड, थराली से नैनीताल वाली रोड। इस रोड पे हम जाएंगे आगे लगभग 10 किलोमीटर, वहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे, फिर मैं अपने गांव वाली रोड पे जाऊँगा। तो यहाँ करके आज मुझे जो मेरा बचपन था और जो स्कूलिंग लाइफ थी, वो सारा कुछ आज ताज़ा हो गया है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे भाई साहब हैं तलवाड़ी के, वो साथ में आए थे, उनका घर ये है सामने, ये उनका गांव है और वो यहाँ उतर रहे हैं। तो उनकी दिल्ली से यहाँ की यात्रा पूरी हो चुकी है, अपने घर पहुँच गए, और इसके बाद हमारा रहता है लगभग 20-25 किलोमीटर और, तो हमें जाना है ऊपर सामने। देखो कितना सुंदर गांव है ये, और ये हम अभी हैं तलवाड़ी स्टेट चमोली के अंदर, ये गांव पड़ता है, बहुत ही सुंदर गांव है। और हमें जाना है अभी वो ऊपर, जहां मेरी उंगली का इशारा आपको दिख रहा होगा, तो ऊपर लास्ट चोटी से नीचे,
वहाँ जाना है, कुछ मकान वहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको। और ये पहला वाला गांव हमारा, ये सामने रहा, दूसरा गांव वहाँ है, बहुत ही सुंदर। और आज आकाश में काफ़ी बादल लगे हैं, शायद शाम को बारिश आ जाए ऐसा कुछ लग रहा है। और दिल्ली के हिसाब से यहाँ का वेदर, जो मौसम है, बहुत अच्छा है और गर्मी नहीं है यहाँ पर। तो हमारे ये आगे का सफ़र अब शुरू हो चुका है, तलवाड़ी से सगवाड़ा पारथा, और ये आगे को, ये अभी कच्ची रोड है यहाँ पर, लेकिन कंडीशन बहुत अच्छी है। सियारा बीजीपुर इसके बाद आएगा, ये देखिए, वाह। झूला पुल से आगे निकलते हुए, तेरी जबरदस्त, ये देखिए नीचे नदी, ऊपर हम लोग, देखिए। और चीकू हमारा ताली बजा रहा, देखो इसमें ताली, गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। ये देखो हम अभी इस खतरनाक पुल से जा रहे हैं, अरे वाह वाह, दौड़ा है ये। किसको, आपको डर क्यों लग रहा है राजोगी? चलो चलो चलो, पानी पानी, थ्राली वाली रोड पे नहीं, एक बारी लगा के देख लेते ना। अरे हमने तो बहुत मार खा रखी उससे, मनी मम्मी पिछवाड़े लाल कर रखे हमारे उससे। पुरानी यादा ताजा होगी भाई इस रोड आने पे। एक बारी मैं इसी रोड पर देवाल पैदल गया था थ्राली से, मेरे जेब में थे 180 रुपये, पैदल लग गया मैं रास्ते, और मैंने 2 घंटे के अंदर ये सफ़र पूरा किया। तब मैं छोटा था, मेरे ख्याल से मैं पढ़ता था चौथी या पाँचवीं। हमारा गांव सगवाड़ा, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। और ये स्टार्टिंग में हमारे गांव के खेत हैं, ये देखिए सामने ये गांव, और ये ऊपर वाला, और ये खेत हैं सीढ़ीदार यहाँ पर, और ऊपर वो पेड़ वाला जो खेत है वो हमारा है। और ये देखिए यहाँ पर गाड़ी आ गई आगे, तो ये हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल एकदम हाइट पे, और यहाँ से घाट साइड के जो लोकेशन होती है वो आपको दिखाई दे रही होगी। और ये आपका बहुत ही ख़तरनाक वाला रोड, तो यहाँ पे जिन लोगों को हैबिट है ना गाड़ी चलाने की, वो तो आराम से चला लेते हैं डेली का जिनका आना जाना। जो सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे बादल लगे हैं, ये हिमालय पर्वत है, अभी बादल की वजह से बर्फ़ दिखाई नहीं दे रहा होगा, और अगर जब यहाँ से यहाँ पर बादल नहीं लगे होते तो बिल्कुल तो वाइट बर्फ़ की चादर यहाँ पर हमेशा दिखाई देती है। और घर के बिल्कुल नज़दीक जाते हुए यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हम आ गए हैं। प्रतीक्षालय, और यहाँ से ये रोड आपका कलचुना की तरफ जा रही है, जो गुमड़खाल और लेटाल की साइड, और ये जा रहा पारथा, पुनी पारथा, तो जहाँ हमें अभी जाना है। देखिए सामने वाले लोकेशन से हम आए थे वहाँ से, इधर वो सामने जो गांव दिख रहे ना वहीं से होके आए हैं अभी, जिधर जो रोड दिख रहे हैं जो सामने दिख रहा है। चलिए हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट जो
बस स्टैंड है लास्ट जो हमारा यहाँ पर जो मार्केट है जहाँ पर हम आते हैं भोगताल पार्था भोगताल ही तो बोलते हैं भोगताल पार्था के अंदर हम पहुँच चुके हैं। ये शिव मंदिर पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर ये गाड़ियाँ आई होंगी तो यहाँ पे धुलाई भी होती है लेकिन अब पानी कम हो गया है यहाँ पे है क्योंकि पेड़ पौधे और कटाई छटाई ज़्यादा हो रही तो पानी का स्तर भी बहुत कम हो गया जमीन का। तो फाइनली हमारे भाई साहब ने देखो हमें पहुंचा दिया, धन्यवाद आपका, बड़े चमक रहे हैं है ना। हाँ बोलो ना। हाँ हाँ। और ये भतीजा है हमारा, इनकी शॉप है और गांव का नाम क्या है? पार्था। अच्छा अच्छा ये देखो। और बाल गोपाल हमारे आगे हैं, सामान ले जाएंगे। ये देखिए ये जा रहे हैं और चीकू ने रास्ते में बड़ा परेशान किया और अभी देखो ये ठीक हो गया है ना। नमस्ते, ठीक हो? और सुनाओ कवंचू भाई साहब, तुम बजे हूँ, तुम जान बुझ के बजे हूँ यहाँ पे, ज़्यादा ऐस कर रहे तुम, जाओ केदारनाथ। सही है सही है। और ये आलू की खेत है यहाँ पर और पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, अब बस बारिश की ज़रूरत है टाइम पर इनको, फिर उसके बाद इस पर निराई गुड़ाई का काम चलेगा, फिर उसके बाद ये पक करके तैयार हो जाएंगे आलू, फिर बन जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी लोकेशन में ये मेरा गांव है कूनी पाथा। और थोड़ा नीचे आ चुके हम, देखिए कितना शानदार लोकेशन है, ब्यूटीफुल। और हर इंसान ऐसी जगह में आने का हमेशा उसका दिल करता है। देखिए ग्रीनरी, आहा खुशबूदार हवा है एकदम, साफ हवा, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, वाह मज़ा आ गया। प्राणी हमारे आगे जा रहे हैं, एक एक कदम बड़े संभल के रख रहे हैं देखिए, और इस सुंदर वादियों का ये आनंद ले ही नहीं रहे, बड़ा इरिटेट सा लग रहा है इनका माहौल। वाह बहुत ही सुंदर हवा, सच में इतनी अच्छी चल रही है कि दिल खुश हो गया है। दिल्ली का वो पॉल्यूशन भरा माहौल, वो किच किच गाड़ियों के शोरगुल, हॉर्न, भीड़ भड़ाका, शांत जगह। और ठीक ऊपर से हम आए हैं और ऐसे करके हम यहाँ पर पहुँच गए, और ये है चाची जी लगती है हमारी, उनका घर है। और ये जो जगह है इसने मुझे बचपन की याद दिला दी, सामने ये पुलिया से दिख रहे उसके ठीक राइट साइड में हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे 10-12 मित्रों के साथ, और उसमें से एक भाई आज इस दुनिया में नहीं है, कमल सिंह बिष्ट, मिस यू भाई, भगवान आपको अपने चरणों में जगह दें। और इस जगह पर आके मुझे वो सारी बातें याद आ गई, ताज़ा याद हो रही हैं, जब हमने यहाँ पर गिल्ली डंडा, क्रिकेट और बहुत सारी मस्तियाँ की थी, खेल किया था, लड़ाई की थी, आज वो सब बातें याद आ रही हैं, वो सब बिताया हुआ पल याद आ रहा है। आप नहीं उस दुनिया में, जहाँ भी होंगे आप खुश रहो। और ये बहुत ही शानदार प्यारी लोकेशन, वाह। तो फाइनली हम अभी घर पे पहुँच चुके हैं और मैं अभी हूँ अपने घर के आगे खड़ा। ये मेरे घर के फ्रंट का एरिया है, ये देखिए चारों आपको बांज और बुरांस के पेड़ दिखाई देंगे, सामने ये खेत है देखिए आप, और आज यहाँ पर मौसम कुछ अलग बना हुआ है, लगता है शाम को बारिश आएगी क्योंकि बादल लगे हुए हैं और बादलों का जो दिशा है वो
ईस्ट दिशा में जा रहे हैं और मकान ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए बहुत ही शानदार बढ़िया लोकेशन में जंगल के बीच में अपना ये घर है और यहाँ आने के बाद तो दिल करता है कि यहीं रहे, लेकिन क्या करें, रोज़गार न होने के कारण हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। खाना खाने के बाद अभी चीकू की मम्मी के साथ खड़ा है और मैडम ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया तो उठ भी नहीं पा रही है। देखो इनको, हेलो, ज़्यादा मत खाया करो, फिर जहाँ पर बैठते हो वहीं बैठे रहते हो। हाँ जी सर, हेलो, ये गांव आने के बाद ना इसका मूड देखो। और ये, हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? अरे देखो, ये नेचुरल को देखो आप, नेचुरल के हाल देखो यहाँ, ये नेचुरल को देखो, बर्तन माज रही है। सही है, बर्तन माजो, सफाई। तो दोस्तों अभी बज चुके शाम के 6 और शाम का मौसम का हाल ये कुछ ऐसा है यहाँ पर, और आकाश में चारों ओर इस तरह के बादल हैं। थोड़ी देर पहले तो बादल कड़क रहे थे, लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अब बारिश कहीं से भी लग नहीं रहा कि बारिश होगी। ये देखिए, आकाश में कुछ तो इस तरह से बादल अभी दिखाई दे रहे हैं। ये सनसेट इस साइड हुआ है तो इस तरह से आकाश में ये बादल दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए, और शाम का ये मौसम इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। विजिबिलिटी आपको इस तरह से दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। और ये आकाश में कौवे चिड़िया, और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे घर का बैक साइड का पोर्शन है और सामने की पहाड़ी पर किसी ने आग लगा दी है। ये देखिए जंगल है और साथ में ये चीड़ के पेड़ हैं और ये बिल्कुल चट्टान वाली जगह है, तो यहाँ पर किसी ने आग लगा दी, जो बहुत गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जंगल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानवर होता है तो ऐसे ही उनको हानि होती है। देखिए, और ये कल के दिन में, और देखिए बड़ी आग लग गई साइड, कल के दिन में पूरा इस साइड फैल करके इधर तक आने वाला है। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैंने जैकेट पहनी हुई है क्योंकि यहाँ पर ठंडा कुछ ज़्यादा ही लग रहा है और हवा भी थोड़ा तेज़ चल रही है यहाँ पर अभी, तो वो हवा इतनी तेज़ चुभ रही है कि ठंड उसे बहुत तेज़ लग रही है, तो सोचा कि मैं जैकेट पहन लूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर है और मौसम बहुत ही अच्छा, क्लाउडी मौसम। और अभी मैं खेत की ओर आया हूँ, ये देखिए मैं खेत में हूँ, बहुत ही सुंदर जगह, साफ हवा, और बहुत टाइम बाद मैं इस जगह आकर के यहाँ के मौसम का आनंद ले रहा हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है दोस्तों, ये देखिए मज़ा आ रहा है। शाम को ऐसे टहलते रहो और साफ शुद्ध ऑक्सीजन की हवा आपको यहाँ पर भरपूर मिलेगी। ये देखिए, मैं खेत में आकर के जो मेरा बचपन यहाँ बीता है गाय भैंसों के साथ, बच्चों के साथ, तो इसी जगह हम खेला करते थे। और आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, मैं जितना भी मुझे मौका मिलेगा यहाँ के बारे में आपको बताऊंगा और कैसे मैंने यहाँ पर जो बचपन था वो बिताया था उसके बारे में कुछ ना कुछ आपसे शेयर ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से राम राम, बाय बाय।